अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल गोश जो मुंबई की फेमस है। मुंबई में दाल गोश बहुत ही फेमस है। यहाँ पे मैंने दुधिया को अच्छे से धुल लिया था और छिलका निकाल लिया था और हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 1/2 किलो हमारी ये दुधिया है, इसको बड़े बड़े टुकड़ों में हमने काट लिया है। 2 बड़े टमाटर इसे भी हमें काट लेना है। 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, अच्छी हरी मिर्चें, और 2 बड़े प्याज लेके उसे भी हमें काट लेना है। देखिए हमने काट लिया। और कड़ी पत्ते 5 से 6। यहाँ पे हम 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला लेंगे, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1 बड़ा चम्मच मीट मसाला, आप रेडीमेड मीट मसाला ले सकते हैं, हल्दी 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हमें नमक ले लेना है। 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पुदीना ले लेंगे, हरा धनिया ले लेंगे और हरी मिर्चें ले लेंगे। अब हम कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 इंच सिनेमन स्टिक ले ली है, 2, और 1 छोटा चम्मच जीरा ले लेना है, 2 छोटे तेज पत्ते ले लेना है, 5 से 6 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 हमें लौंग ले लेना है। अब हम यहाँ पे दालें लेंगे। 1 चम्मच मैंने वटाना और हरे उड़द की दाल ले ली है, 1 चम्मच मैंने मूंग की दाल ले लेना है, 1 चम्मच तुअर दाल ले लेना है, 1 चम्मच चना दाल ले लेना है और 1 चम्मच मसूर दाल ले लेना है। ये मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 1-1 चम्मच लिया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 1/2 किलो बड़े का मटन ले लिया है और इसे अच्छे से धुल के हमें 4 से 5 पानी साफ करके रख लेना है। अब हम मिक्सी का जार लेंगे, इसमें जो हमारी हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना था वो डाल के हम इसमें अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट हमारा तैयार है, जो हमने गरम मसाले और सारे मसाले लिए थे उसको इसी पेस्ट में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक कुकर गरम करेंगे, जब हमारा कुकर अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें हम तेल डालेंगे। हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल डाल रहे हैं, खाने के बड़े चम्मच हमने तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद जो हमने खड़े गरम मसाले लिए थे वो डाल देना है, उसमें से 1 सिनेमन स्टिक और 1 तेज पत्ता निकाल लेना है, बाकी सारे मसाले डाल देना है। जब हमारे मसाले खड़े गरम मसाले डाल के हो जाएंगे, प्याज डाल देंगे। प्याज हमें आधी डालना है, पूरी नहीं डालना है। प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे हम पकने देंगे, प्याज को लाल होने देंगे। देखिए थोड़ी देर बाद हमारी प्याज हल्की सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसे और लाल होने देंगे। देखिए हमारे प्याज अब लाल हो चुकी है, एकदम लाल नहीं हुई है, बस इतना ही करना है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से हमें चला लेना है। अब हमने जो मसाले बनाए थे, अदरक सॉरी ये हरी मिर्च और उसका, और जो हमने मसाला गरम मसाला पाउडर वो सब शामिल किया था, वो हम इसमें डाल देंगे। हमारे मसाले इसमें चले गए, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे और 2 मिनट तक इसे हम भुनने देंगे। देखिए 2 मिनट बाद ऐसा हमारा ऊपर तेल नज़र आ रहा है हल्का हल्का। हमने जो 1/2 किलो मटन लिया था वो डाल देंगे और इसे डाल के हम अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे टमाटर, जो हमने टमाटर लिए थे हमें उससे पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा हमें बचा लेना है, और कड़ी पत्ता भी 2-3 डाल देना है हमें। और हम इसमें जो लौकी ली थी हमने पूरी लौकी डाल देंगे। हमें प्याज और टमाटर निकाल लेना है थोड़ा सा, बाकी सब डाल देना है, लौकी पूरी डालनी है। हम डाल के इसे अच्छे से चला देंगे। चलाने के बाद हम इसको 4 से 5 सीटी मीडियम आंच पर हम पकने देंगे, हमें तेज आंच नहीं करनी है, मीडियम आंच पे। अब पानी एकदम हल्का सा डालना है, डालो नहीं तो नहीं डालो, क्योंकि गोश्त का पानी छूटेगा। यहाँ पे हमने सीटी लगा ली है,
अब हम जब तक का हमारी सिटी हो रही है, हम जो दालें लिए थे उसको हम इस एक बर्तन में डाल देंगे। इसके बाद इसको अच्छे से हम धुल के भिगो देंगे। जब तक हमारा गोश्त पक रहा है हम इसे भीगे रहने देंगे। हम इसे भीगे रहने देना है। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए 4 से 5 सीटी बजने होने के बाद हमारा गोश्त अच्छे से गल गया, मसाले भी पक गए हैं। देखिए दुधिया भी अच्छे से गल गए। मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ। देखिए गरम है, देखिए एकदम अच्छे से हमारे गोश्त गल गया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें ये गोश्त डाल देंगे दूसरे बर्तन में। हमने पूरा डाल लिया है दूसरे बर्तन में और उसी कुकर में, देखिए इसमें मसाले लगे हुए, हमें वेस्ट नहीं करना है। उसी में हम अपनी दालें डाल देंगे। दालें डालने के बाद 2 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। 2 कप पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमारी बची हुई प्याज थी, उसमें से थोड़ी सी प्याज डाल देना है, और जो टमाटर था टमाटर डाल देना है। अब हरी मिर्चें डाल देंगे, हमने जो 5 से 6 हरी मिर्चें लिए थे वो डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे और 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे, छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, और इसे भी 4 से 5 सीटी मीडियम आंच पे हम पकने देंगे। देखिए 4 से 5 सीटी बजने के बाद हमारी दाल पक गई है, खड़ी दिख रही है मगर पक गई है। जो इसमें की मिर्चें हमें सारी निकाल लेनी है, अगर नहीं निकालेंगे तो उसमें तीखापन आ जाएगा। मैंने सारी मिर्चें निकाल ली थी, अब इसे हम अच्छे से घोट लेंगे ताकि जो थोड़ी थोड़ी दालें खड़ी हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चने की दाल जो है पक तो गई है मगर खड़ी है, इसकी वजह से हम इसे अच्छे से घोट लेंगे। देखिए घोटने के बाद हमारी सारी दालें अच्छे से घुट गई है, एक भी खड़ी नहीं दिख रही है। देखिए हमें ऐसे ही करना है। अब जो हमने गोश्त बनाया था इसमें ये दालें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। देख कितना अच्छा कलर भी आ गया, और इसको अच्छे से मिला लेंगे और गैस हम चालू कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा आधा कप इसमें पानी डाल देंगे। अगर आपको जैसा लगे आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे हम नमक भी चख लेंगे, हमें नमक चख लेना है कि कहीं कम तो नहीं, अगर कम है तो डाल सकते हैं और बराबर है तो रहने दें। हम ढक के से 5 से 7 मिनट तक मीडियम आंच पे उबलने देंगे। देखिए हमारा अच्छे से दाल गोश में उबाल आ गया है, इसको हम एक बार चला लेंगे। इसके बाद हम इसे उतार लेंगे नीचे और एक तड़का पैन रखेंगे, कोई भी बर्तन ले लें। यहाँ पे मैंने छोटी सी कढ़ाई ले ली है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच इसमें भी हम तेल डालेंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो अब हम इसमें कड़ी पत्ता जो हमने लिया था वो कड़ी पत्ते डाल देंगे। कड़ी पत्ता हमारा तड़क जाएगा तो जो बाकी प्याज थी हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के हम इसको अच्छे से चला लेंगे और थोड़ा सा इसे पकने देंगे स्लो आंच पे ही। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो हमने जो एक सिनेमन स्टिक और एक तेज पत्ता निकाला था वो डाल देंगे, और पुदीना डाल देंगे। हमने पुदीना भी डाल देना है, और इसे हमें प्याज लाल होने तक का हमें पकाना है क्योंकि हमें इसका तड़का देना है। देखिए हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, अब हमें इसे और लाल करना है। इसे स्लो आंच पे ही करना, नहीं ज़्यादा तेज आंच पे करेंगे तो जल जाएगा। देखिए कलर चेंज हो चुका है हमारी प्याज का, हल्का ब्राउन हो चुका है, पूरा ब्राउन नहीं हुआ है, बस हम थोड़ी देर और करेंगे। देखिए अब हम इसमें दाल गोश में तड़का लगा दे रहे हैं। हमने अपने दाल गोश में तड़का लगा दिया है, अब हम इसमें हरा धनिया काट के डाल देंगे। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगे।